तो यस, बिक्सू आ चुका है वापस से स्केरी चैट्स लेके, एंड एकदम नए ताज़ा ऐसे मैंने खोद के निकाले हैं। ये क्या था? तो यार आज हम देखने वाले हैं कुछ मोस्ट स्केरीएस्ट व्हाट्सएप स्टोरीज एंड व्हाट्सएप चैट्स, एंड यस डरने वाले हम थोड़ा पढ़ पढ़ के। तुम्हें पता ही है हाउ दिस थिंग गोज, तो यस लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सहानुभूति देने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यस वो मत भूल, एंड लेट्स गो, सहानुभूति दे दो। सहानुभूति भाई, इसमें भी भूति आ रहा है यार, सहानुभूति। ठीक है चलते हैं। ऑल राइट भाई, ये भी डर लग रहा है मेरे को। ऑल राइट, वन सैड मॉर्निंग। अबे भाई ये मक्खी उड़ रही है, पकड़ ली मैंने। क्या बोल रही बे? अच्छा आई थिंक ही नहीं। ओके हम कंटिन्यू करते हैं। वन सैड मॉर्निंग, क्या हुआ? हेलो अक्षिता, आज अवनी के घर चलना है या नहीं? एंड अक्षिता बोलती है, तुम जा रही है? ओके, मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा, प्लीज नहीं जाते है ना? ओ आई गेस उसकी फ्रेंड ऑफ होली है, फ्रेंड ऑफ होली, आई गेस इनकी फ्रेंड डेड हो गई है, रेस्ट इन पीस। अरे यार कैसा लगेगा अगर अपनी दोस्त के अंतिम संस्कार पर हम नहीं जाएंगे तो? डैम, ओके मैं सही था काइंड ऑफ, मेरे को लगा मजाक हो रहा होगा। आखिरी बार उसे देखने का मौका है, पर सृष्टि, ओके सामने वाले का नाम सृष्टि है, ओके गॉट इट, पर सृष्टि जो कुछ भी हुआ उस सब के बाद हम कैसे उसके माँ बाप से नजरें मिला सकते हैं? अवनी की जान हमारी वजह से गई है, अब ऐसा क्या कर लिया तुमने? ओके दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। शट अप अक्षिता, ये से मत बोलो यार, एक तो ये से पढ़ के मेरे को हंसी आ जाती है। ओके सॉरी, मुझे ऐसे मोमेंट पे हंसना नहीं चाहिए। बेसिकली वो कह रही है ऐसे मत बोलो। क्या बात है यार, मेरे को घुर्राने की आवाज़ें आ रही है बाहर से। एक तो सुबह के बज रहे पूरे 5, सुबह सुबह यार, मेरे को सुबह सुबह क्यों? मैं बार बार अपने आप को समझाता हूँ मैं सुबह सुबह ऐसी वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करूँगा, बट फिर वही काम। तुम्हें पता है ना अवनी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो ऐसे बोलोगी तो हम बिना वजह जेल चले जाएंगे, लेकिन हमारी भी तो गलती है ना भाई। ये अक्षिता हो रही है तेरे को फंसाने में, भाग ले आज तू। फालतू यार, ठीक है भाई, अब सामने वाली बोल रही है ऐसे मत बोलो, फालतू में तुम्हारे ऊपर भी हो जाएगा चार्जेस, मत बोलो ना। हाँ लेकिन अपनी जान देने का फैसला उसका खुद का था, हम खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। अब तैयार हो जाओ, टाइम हो रहा है। ओके आफ्टर द फ्यूनरल, फ्यूनरल में जाके आ गई, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया था तुम्हें वहाँ? सृष्टि प्लीज मेरी बात का यकीन करो, अवनी ने मेरा हाथ पकड़ा था। व्हाट? वो व्हाट? भाई अवनी इज द रियल फ्रेंड, वो जाने के बाद भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती तुम्हारे साथ। भाई दिस इज काइंड ऑफ क्रीपी मेरे को। ओके ठीक है गुड्स, भाई क्या करूं मैं, ठीक है पढ़ता हूं, चलो। कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो, डेड बॉडी तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ सकती है? एग्जैक्टली ये क्या बात हुई, मारो थप्पड़ मारो इसको, क्या नाम है अक्षिता को। तुम ऐसे अचानक से चीखने लगी, सब लोग कितना घबरा गए थे। तो भाई अगर कोई डेड बॉडी हाथ पकड़ेगी तो चीख के अलावा क्या निकलेगी भाई, मेरे तो और कुछ भी निकल जाएगा, मेरा क्या लोगों का भी निकल जाएगा। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा? जब मैं अवनी की डेड बॉडी के पास बैठी थी तब उसने अचानक से आंखें खोल दी और मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगी। मैम तो बोलेंगे भक्त भाई, ठीक है भाई। रुको भाई यार, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू At 5 o'clock in the morning. But ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ ये। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा तड़का और फील डालने के लिए जानबूझ के थोड़ा रात या लेट रिकॉर्ड करता हूँ। तो या अच्छा, और तुम्हारे अलावा किसी और ने नहीं देखा? अक्षिता मुझे लगता है तुम्हें अवनी की डेथ का गहरा सदमा लगा है, इसलिए तुम ये सब इमेजिन कर रहे हो। ये फिल्मी बातें नहीं है, सदमा लगा चुप। अगर बोला है उसने तो होगा भाई, तू मान लेना, मानती क्यों नहीं है, कुछ मानती भी नहीं है ना तू तो। एक ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, अवनी सच में जग गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने कहा ना ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है। भाई मेरी बात सुन, तू सामने क्या नाम है तेरा जो भी है, वो फ्यूनरल पे क्यों इमेजिन करेगी कुछ? तू पागल है? नहीं तू पागल है, वहम, वहम को इमेजिनेशन बोलते हैं। हाँ अगर वहम को इमेजिनेशन बोलते हैं तो मैं पागल हूँ। तुम आराम करो और इस हादसे से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करो, बाय एंड टेक केयर। बाय हो गई भाई, और ये रात के 2 बजे ही बात करनी है इन्हें, ठीक है भाई। अबे यार तुम भी मेरी तरह ही गधे हो। लेटर एट नाइट, अबे और कितनी रात होगी? अच्छा शाम हो रही थी, ओके ओके, 2 PM या शाम हो रही थी, शाम हो रही। रिप्लाई करो यार प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार क्या हुआ? मैंने एक बुरा सपना देखा, बहुत बुरा। ऐसा क्या देखा? अवनी वो मेरी खिड़की से बाहर खड़ी होकर मुझे घूर रही थी, लेकिन वो चीज अवनी नहीं थी, उसमें कुछ अजीब था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे उसका खून जम गया हो, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। वो अवनी की लाश थी जो मुझे घूर रही थी। मुझे तुम्हें उसके यहाँ ले ही नहीं जाना चाहिए था, ना तुम उसकी डेड बॉडी देखती
और ना तुम्हें ऐसा सदमा लगता। यार मैं ऐसा पढ़ लेता हूँ। तो अक्षिता को कुछ ना कुछ दिखा है, एंड दिस इज गेटिंग प्रीटी सीरियस, क्योंकि रात के एकदम 10 बजे उसका टेक्स्ट आ रहा है। सृष्टि, सोने के पहले मैंने अपने रूम की खिड़की बंद की थी, पर जब मैं अपने सपने से जगी तब वहाँ खिड़की खुली हुई मिली। कम ऑन अक्षिता, पागलों जैसी बातें मत करो, मैं ऑलरेडी अपनी को मिस कर रही हूँ और तुम ऐसी बातें कर रही हो। कम ऑन बिक्सू, बार बार क्यों गलत पड़ रहा है? आई मिस हर टू, आई कांट बिलीव कि उसने हमारे मजाक के चक्कर में अपनी जान दे दी। अगर पुलिस को इस बारे में पता चला तो क्या हम जेल चले जाएंगे? के चक्कर में जान दे दी? व्हाट, वेट, व्हाट इज गोइंग ऑन? ऐसा हुआ क्या? ये बैक स्टोरी अभी बता नहीं रहे कुछ। ओके, शायद हमें आगे पता चले, तो यार लेट्स कंटिन्यू। आई डोंट नो, हमने तो बस एक फेक आईडी बनाई थी ताकि हम थोड़ा मजाक कर सके। ओके, तो उन्होंने कोई फेक आईडी बनाई होगी उसको परेशान करने के लिए, लाइक थोड़ा डराने वराने के लिए, एंड आई गेस उसने सीरियसली ले लिया और वो उसने सुसाइड कर ली। हमें क्या पता था कि वो सिर्फ चैट करके इतना प्यार में पड़ जाएगी। प्यार में पड़ जाएगी? ओके, ये मुझे हॉरर तो नहीं लग रहा है। आई मीन जो हरकतें कर रही है अपनी, वो हॉरर लग रहा है सच में बताऊँ तो। हमने थोड़ा ना उसे हरास किया था या खुद को मारने के लिए प्रोवोक किया था। सही कहा तुमने, हमने तो सिर्फ लड़के की फेक आईडी बनाकर थोड़ा बहुत चैट की थी और फिर फेक ब्रेकअप। ओ डूड, ये तो फीलिंग्स के साथ खेला तुमने। अबे यार ऐसा क्यों करते हो? ठीक है भाई, बेकार काम। और हम तो दूसरे ही दिन उससे बताने वाले थे कि ये सब प्रैंक था, लेकिन उसके पहले ही उस पागल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। ऑब्वियसली भाई, अब तुम इतना देर कर दोगे तो यही होएगा ना। मुझे तो उसकी मम्मी के लिए बहुत बुरा लग रहा है जिन्हें उसकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली। भाई यार इतनी डिटेलिंग में क्यों पढ़ रहे हो और मैं इतना फील के साथ क्यों पढ़ रहा हूँ? ठीक है, मुझे मजा आ रहा है, नॉट गोना लाई। उसका मोबाइल पुलिस ले गई है, वो आज नहीं तो कल हम तक पहुँच ही जाएंगे। ओ डूड, ये तो भाई लेट्स गो भाई, पता भी चलना चाहिए सच बताऊं तो। और हरकतें करो तुम, ऐसे दोस्त मेरे को नहीं पसंद भाई। अगर तुम्हें पता है कि अवनी बहुत ज्यादा इमोशनल थी तो उसके साथ ऐसे फीलिंग्स के साथ खेला ही क्यों? है नहीं, सही नहीं बोल रहा मैं, बताना कमेंट्स में। तो क्या हम खुद ही कन्फेस कर ले? अक्षिता, हमारी तो सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, पढ़ाई करियर सब मिट्टी में मिल जाएगी। हेलो, क्वेश्चन मार्क कहाँ गई मैडम? कॉल ही उठा लो, मैंने अवनी को देखा। फिर वही सपना। इस बार सपने में नहीं, सच में देखा है। व्हाट, क्या बकवास कर रही हो? अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है या इलाज की। बकवास नहीं है ये, जब मैं तुमसे बात कर रही थी तब मुझे एक सॉन्ग सुनाई दिया, अवनी का फेवरेट सॉन्ग जो वो हमेशा गुनगुनाती रहती थी। जब मैं खिड़की के पास गई कि और साफ सुन सकूं, तो किसी ने मेरा हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। बाहर की लाइट्स ऑफ थी इसलिए मुझे साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वह अवनी ही थी, या ऐसा कहूँ कि उसकी आत्मा थी। जब लाइट्स बंद थी तो कैसे कह सकती हो तुम? हो सकता है कोई और हो। अगर कोई इंसान होता तो लाइट्स ऑन करते ही गायब हो जाता क्या? मेरी चीखने की आवाज सुनते ही हॉस्टल की बाकी लड़कियां और वार्डन भी आ गए। हाँ भाई, अब तो जमघट इकट्ठा होएगा। उनके आते ही जो भी था अचानक से गायब हो गया। मैं कह रही हूँ, मैंने 1-2 सेकंड के लिए क्लियरली उसका चेहरा देखा था। ओके, हो सकता है शायद उसे वहम भी हुआ हो, इस पॉइंट पे तो हो सकता है। तुम मजाक कर रही हो ना? ओके, यहाँ पे एक हाथ की फोटो आई है, बट मैं तुम्हें ये दिखा नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। लाइक मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसका हाथ बीच में पूरा फटा हुआ है, ऐसे लग रहा है किसी ने उसे चाकू मार दिया है। ओह शिट, ये तुम्हें मजाक लग रहा है? उसने भेजने के बाद लिखा। ओह माय गॉड, इतना बड़ा घाव। यस भाई, और कर लो मजे। हाँ, ये मुझे तब लगा जब मुझे किसी ने खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश की। आई एम नॉट लाइंग, ओ नो, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अबे यार ये, इसको मारो, इसका नाम क्या? सृष्टि, जो भी इसका नाम है। सृष्टि की सृष्टि हिला दो जाके। तुम्हारे यकीन करने ना करने से क्या होगा, वो लौट आई है। ओ डूड, ओके, रिवेंज। तुम इस घाव पर कुछ लगा लो, खून ज्यादा बह रहा है क्या? तुम्हारे सब्जेक्ट बदलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इस घाव पर तो दवा लग जाएगी, लेकिन ये आखिरी घाव नहीं है। पता नहीं क्यों अवनी की आत्मा मेरे पीछे पड़ी है। This is getting way serious. मेरे को ऐसा लग भी नहीं रहा था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा सच में हो सकता है क्या? सच में हो रहा है, वो लौट कर आ गई है। ओके, अब तो मुझे भी लग रहा है सच बताऊं तो। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। अच्छी बात है मैं अपने घर पर मम्मी पापा के साथ ही हूँ। हाँ, मैं भी अब अकेले नहीं रह सकती। मेरी कोई रूममेट नहीं है, लेकिन मेरे साइड वाले रूम में जो अपनी क्लासमेट वीना रहती है ना, उसे आज अपने ही रूम में सोने के लिए कह रही हूँ। दैट्स गुड, हम सब मिलकर इस बारे में बात करते हैं। अपना ध्यान रखना भाई। छेड़खानी करोगे यही होगा, अब किसी और को बुलाने से क्या हो जाएगा साथ में सुलाने से? और लो पंगे, मैंने बोला था। ओके, आफ्टर मिडनाइट। क्या हुआ आफ्टर मिडनाइट? ओके, कॉल पे कॉल। ओके अक्षिता मैसेज कर रही है रात को एकदम 12 बजे के बाद। अवनी अपनी मौत के लिए हमें जिम्मेदार मानती है, इसलिए वो हमें अपने साथ ले जाने के लिए वापस आई है। अब डरने से या बचने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपने फेथ को एक्सेप्ट करना होगा। और ये कॉल करी जा रही है बार बार अक्षिता को। अक्षिता क्या हो गया है तुम्हें, इतनी रात को कॉल कर रही हो? ओके, वो कॉल कर रही थी। और क्या मतलब है तुम्हारा इन मैसेजेस का? ये क्या फोटो भेजी ने? ये क्या है?
ओ माय गॉड, ये अपनी अवनी है, वो अभी मेरे साथ ही है। व्हाट, होल्ड अप, व्हाट काइंड ऑफ इंसेप्शन इज दिस ब्रो? अरे पागल हो गई हो क्या? कौन है ये? ये हो क्या रहा है? ओके एक और फोटो। ओके ठीक है, मैंने देख ली, मैं नहीं देख रहा हूँ और। ओह नो, अक्षिता क्या हो रहा है? मेरा कॉल रिसीव करो, कौन है ये? अबे तू कॉल रिसीव करने को भूल रही है, उसे उसके साथ कोई मेहमान आ गया है भाई। मेरी पटरी है भाई। ठीक है 5:30 हो गए, देखो मेरे को रिकॉर्ड करते करते इतना टाइम हो गया। मैं सच्ची में बीच में ब्रेक ले रहा हूँ। वो हम दोनों को अपने साथ ले जाने वाली है। अब मेरी बारी है और कल तुम्हारी, फिर मिलते हैं। .. ओ डूड, अक्षिता कॉल रिसीव करो, क्या हो रहा है वहाँ? हेलो, आर यू देयर? भाई गई वो, तेरे को लेने आ रही है, चिंता ना करा तू। ?? वीना, हेलो सृष्टि, तुम अभी कहाँ हो? मैं तुम्हारे हॉस्टल ही आ रही हूँ अक्षिता से बात करने, कल रात वो बहुत अजीब बातें कर रही थी, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एक्चुअली उसी के बारे में बात करनी है। ओह डैम, कल रात उसने फांसी लगाकर सुसाइड ली। व्हाट, अभी रूम के सीलिंग फैन से लटक कर, मैं तो वही उसके बगल में सो रही थी बट मुझे कुछ पता नहीं चला। डूड कैसे, ये कैसे हुआ? जब मैं सुबह उठी तो मुझे सबसे पहले वो सब देखना पड़ा। Oh God damn it, मैं तो अभी तक कांप रही हूँ। Obviously हर कोई कांपेगा। तुम्हें पता है क्या उसने ऐसा क्यों किया होगा? Oh no, वीना, उसने खुद से कुछ नहीं किया, ये सब अवनी ने किया है। अवनी? वो तो ऑलरेडी इसी तरह अपनी जान दे चुकी है ना, वो ऐसे कैसे कर सकती है? उसकी आत्मा ने किया है, अब वो मेरे पीछे आएगी? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अक्षिता ने खुद कल मुझे बताया था ये सब, लेकिन मैंने उसका भरोसा नहीं किया। सच में वीना, मैंने अभी कल रात की अक्षिता और अपनी चैट चेक की, वो सब अपने आप डिलीट हो गए हैं। सृष्टि, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड की डेथ का बहुत गहरा सदमा लगा है। अबे ये भी यही बात बोल रही है? डूड व्हाट काइंड ऑफ इंसेप्शन इज दिस? क्या हो रहा है ये? इसलिए ऐसी बातें कर रही हो? तुम अब यहाँ मत आओ, पुलिस और सृष्टि के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे आगे की प्रोसेस के लिए। अबे आगे की प्रोसेस के लिए नहीं गए, शायद अब मेरा भी यही अंजाम होगा। एंड दैट्स इट। What was this? भाई मेरी जो हालत हो रखी है ना, अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं थोड़ा गरम, पूरा गरम पड़ा हूँ, थोड़ा नहीं। ठीक है, I hope तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। And leave a like if you enjoyed this video. That is it for today's video. Wait for the next one. Till then, peace out. Ha ha. Oh भाई. Yeah. बीट पे गदर मचेगा, कटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा I swear, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।